बहुत समय पूर्व की बात है, महाविदेह क्षेत्र में पुंडरीक नामक देश था। उस देश में स्वर्ग के समान समस्त वैभव से सुसज्जित एक त्रिभुवनानंद नामक नगर था। इस देश में कामदेव तुल्य चक्रवर्ती सम्राट चक्रधर राज करते थे। चक्रधर बहुत ही न्यायप्रिय व कुशल शासक थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी, किसी को कोई दुख नहीं था। एक दिन राजा चक्रधर नित्य की भांति राज दरबार में प्रवेश करते हैं। सावधान, सावधान, सावधान। सोने की छड़ी, चांदी की मशाल, मोतियों की माला, नेक नामदार त्रिभुवनानंद अधिपति राजा चक्रधर पधार रहे हैं। अचानक एक दासी राज दरबार में प्रवेश करती है। आइए देखते हैं वह राजा को क्या सूचना देती है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो दासी, क्या बात है? महाराज, एक सुखद समाचार है। सुखद समाचार? अतिशीघ्र कहो। महाराज, महारानी जी ने एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्री को जन्म दिया है। बजाओ ढोल, बजाओ खूब बजाओ, आज मेरा भाग्य रूपी तारा जगमगा उठा है। मेरे यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है। घर घर ऐसी रोशनी करो मानो दिवाली हो। अरे सभी खूब नाचो, खूब गाओ, खूब खुशियाँ मनाओ। आज मैं निहाल हो गया। आह, धन्य पुत्री का जन्म, धन्य है। लो दासी, यह लो। महाराज की जय हो, राजकुमारी की जय हो। मंत्रीवर, आज हम बहुत खुश हैं। जाइए जिन मंदिर में अनुष्ठान करवाइए व राज्य में मिष्ठान वितरित करवाइए। सेनापति, विशाल धार्मिक शिक्षण शिविरों का आयोजन करवाइए। इसकी घोषणा उद्घोषक से समस्त नगर में करवा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। त्रिभुवनानंदाधिपति राजा चक्रधर के यहाँ पुत्री जन्म की खुशी में समस्त नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि वांछित वस्त्र, धन, मिष्ठान आदि वितरित किए जाएंगे और जिनको जो मनोरथ हो वह राजकोट से पूर्ण किए जाएंगे। पुत्री जन्म की इस पावन घड़ी से सारे नगर में शहनाइयां गूंज उठी। नगरवासियों का हृदय झूम उठा। अपने प्रफुल्लित हृदय से रानी अपनी पुत्री को जन्म से ही धार्मिक संस्कार देने में रत है। आइए रानी अपनी पुत्री को कैसे संस्कार देती है देखते हैं।